तो दोस्तों, ये वीडियो सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कैट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप कैट क्वांट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक सीखना चाहते हैं, या फिर आप एप्टीट्यूड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के शौकीन हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है कोचिफाई कैट। यहां पे आपको काफी फ्री स्टडी मटेरियल मिलता है, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी मिलती है, और डेली बेसिस पे काफी क्विजेज मिलती है जो आपकी प्रिपरेशन में आपको काफी हेल्प करती है। तो आप इस वीडियो सीरीज का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं? आप हर एक क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए। देन आप वीडियो प्ले कीजिए एंड देखिए कि क्या जो अप्रोच मैंने डिस्कस की यहाँ पे, क्या वो शॉर्ट है, आपका समय उससे बच रहा है। तो अगर वो अप्रोच आपके लिए बेटर है, आप उसके साथ आगे बढ़िए। अदरवाइज जो अप्रोच आप फॉलो कर रहे हैं वो हो सकता है काफ़ी अच्छी हो, राइट? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम कैट 2023, यानी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। अभी बोल रहा है, इन अ कंपनी 20% ऑफ द एम्प्लॉयज 20% ऑफ द एम्प्लॉयज वर्क इन द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। इफ द टोटल सैलरी ऑब्टेन्ड बाय ऑल द मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज इज 1/6 ऑफ द टोटल सैलरी ऑब्टेन्ड बाय ऑल द एम्प्लॉयज इन द कंपनी, देन द रेशियो ऑफ एवरेज सैलरी ऑब्टेन्ड बाय द मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज टू द एवरेज सैलरी ऑब्टेन्ड बाय नॉन मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज। देखो यार, आपको एक बात समझनी है यहाँ पे कि सबसे पहले आप परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज की बात कर रहे हो, यानी आपको टोटल एम्प्लॉयज की कुछ एक वैल्यू अज्यूम करनी है। अब आप क्या वैल्यू अज्यूम कर सकते हो? आप 1 अज्यूम कर सकते हो, 100 अज्यूम कर सकते हो, 100x अज्यूम कर सकते हो, कुछ भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, राइट? बट देन आपको एक चीज यहां पे दिखाई दे रही है कि फाइनली आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। तो जो भी वैल्यू आप अज्यूम करोगे, अल्टीमेटली वो वैल्यू कैंसिल होने वाली है ना, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म काम में आने वाली है। तो क्यों ना हम सिंपलेस्ट फॉर्म ही काम में लेकर के चले, राइट? अब जैसे यहां देखते हैं, इसने कहा कि टोटल सैलरी ऑब्टेन्ड बाय ऑल द मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज इज 1/6 ऑफ द टोटल सैलरी, यानी हमें टोटल सैलरी की वैल्यू भी अज्यूम करनी है। तो अगेन हम इसको क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के चलेंगे। एंड फाइनली जो हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, वो हमें एवरेज सैलरी का फाइंड आउट करना है, किसका, मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज का, और एवरेज सैलरी ऑब्टेन्ड बाय नॉन मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज। तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज है, 20% हम कहते हैं 20 है, 100 मान लेते हैं टोटल वैल्यू को। तो जो हमारा नॉन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है उसमें कितने एम्प्लॉयज हो गए, नेचुरल सी बात है 80 हो गए टोटल। अगर आप 100 मान के चल रहे हो, 20% आपके मैन्युफैक्चरिंग है, तो 80% आपके नॉन मैन्युफैक्चरिंग होंगे, 20 ये हो गया, 80 ये हो गया। देन अब ये बोल रहा है टोटल सैलरी का 1/6 मिल रहा है किसको मिल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज को। तो हम टोटल सैलरी अगर 1 ही अज्यूम कर लें, तो 1/6 वैल्यू बन गई हमारी मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज को मिलने वाली सैलरी की, और 5/6 वैल्यू बन जाएगी नॉन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज की। अब यहां पे हमें रेशियो फाइंड आउट करना है एवरेज का। आपको पता है आप एवरेज कैसे निकालते हो? तो जो भी आपकी टोटल सैलरी मिल रही है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, पर एम्प्लॉय कितनी मिल रही है, ये निकालने के लिए आप क्या करोगे, टोटल एम्प्लॉयज से इसको डिवाइड कर दोगे। तो अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का एवरेज फाइंड आउट करूं, तो ये आ रहा है 1/6, एंड देन 20 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा ये। और अगर नॉन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का कैलकुलेट करना है, तो ये आ रहा है 5/6, एंड देन 80 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब आप इसका रेशियो फाइंड आउट कर लो, ये एवरेज बन गया। तो दिस इज द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये हो गया हमारा 4। तो यहां से जो रेशियो निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 4:5, विच मेक्स आर बी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये एक और क्वेश्चन है, अगेन कैट 2023 से ही है। क्वेश्चन कह रहा है द सैलरी ऑफ थ्री फ्रेंड्स, थ्री फ्रेंड्स के बारे में बताया, सीता, गीता एंड मीता। लिख लेते हैं, थ्री फ्रेंड्स हैं सीता, गीता एंड मीता, आर इनिशियली इन द रेशियो 5:6:7। तो इनकी जो इनिशियल सैलरी है वो 5, 6 और 7 इस रेशियो में हमें गिवन है। फिर क्वेश्चन बोल रहा है द गेट सैलरी हाइक्स ऑफ 20%, 25% एंड 20% रेस्पेक्टिवली इन द फर्स्ट ईयर। ठीक है, पहले साल में इनकी जो वैल्यू है वो इस परसेंटेज से, इन रेस्पेक्टिव परसेंटेजेस से ग्रो करती है। इन द सेकंड ईयर सीता एंड मीता गेट सैलरी हाइक्स ऑफ 40% एंड 25%, एंड द सैलरी ऑफ गीता बिकम्स इक्वल टू द मीन सैलरी ऑफ द थ्री फ्रेंड्स। द सैलरी हाइक ऑफ गीता इन द सेकंड ईयर विल बी व्हाट? अब देखो यहां पे अगेन हमें क्या करना है, व्हेन वी टॉक अबाउट सैलरी हाइक, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट परसेंटेज चेंज। जब भी हमें परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है, तो रेफरेंस वैल्यू जो हम ले रहे हैं, इनिशियल वैल्यू जो हम ले रहे हैं, उसको हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इनकी इनिशियल वैल्यूज को हम कुछ एक अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से इसकी वैल्यू हो गई है 50, इसकी वैल्यू हो गई है 60 और इसकी वैल्यू हो गई है 70। ये इनकी इनिशियल वैल्यूज हो गई है। अब पहले साल में हमें क्या करना है, इनमें सैलरी हाइक करवाना है। तो सैलरी हाइक करवाते हैं, सीता की सैलरी में 20% का हाइक करवाना है, यानी फर्स्ट ईयर में अगर हम हाइक करवाएं 20% का, तो 50 का 10% बनता है 5, 20% होता है 10, तो ये वैल्यू बन जाती है 60। ये फर्स्ट ईयर में इंक्रीमेंट होकर के फाइनल वैल्यू बनी।
25% आपको हाइक करवाना है गीता की सैलरी में, 25% 1/4 होता है, 1/4 निकालते हैं तो 15 आ रहा है, यानी ये वैल्यू बन गई हमारी 75। एंड देन 20% हमें इंक्रीमेंट करवाना है मीता की सैलरी में, 20% बनता है 14, तो ये बनता है हमारा 84। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर के बाद में इनकी सैलरीज हो गई हैं। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है, इन द सेकंड ईयर सीता एंड मीता गेट सैलरी हाइक्स ऑफ 40%। आप यहाँ पे एक चीज और कर सकते थे, आप यहाँ पे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज भी यूज कर सकते थे। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज यूज करके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सीता की बात करूं, तो सीता की फर्स्ट ईयर में सैलरी हाइक हुई 20% की, एंड देन फिर सेकंड ईयर में सीता की सैलरी हाइक हुई 40% की। तो आप ओवरऑल कैलकुलेट कर सकते थे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का रिजल्ट यूज करके, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, जो कि कितना बन रहा है, दिस बिकम्स 20, दिस बिकम्स 40, 20 प्लस 40 ये हो गया, एंड 20 इंटू 40 डिवाइड बाय 100, तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज आ गया हमारा 68%। यानी जो इनिशियल वैल्यू है उसमें सीधे ही अगर हम 68% का इंक्रीमेंट करवाएं तो हमें दूसरे साल के बाद की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको ये इजी लग रहा है तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, मैं इसको ऐसे प्रोसीड करने वाला हूं। अब हम क्या करते हैं, 40% का इंक्रीमेंट इसमें करवाते हैं, 40% का इंक्रीमेंट करवाएंगे तो 24 ऐड करना है, 24 अगर ऐड करेंगे तो ये बनता है हमारा 84। ये सेकंड ईयर के बाद की सीता की सैलरी हो गई है, एंड ये सैलरी हमें दे रखी है मीता की, 25% का इंक्रीमेंट करवाते हैं, 25% अगेन कितना बनता है, 1/4 किया इसका हमने तो आया 21 अगर इसमें ऐड कर देते हैं तो ये बनता है 105। तो मीता की फाइनल सैलरी ये हो गई है। अब सवाल हमें ये कह रहा है कि सैलरी ऑफ गीता बिकम्स इक्वल टू द मीन सैलरी ऑफ द थ्री फ्रेंड्स। आप एक चीज देखो कि आप इसका मीन कैसे फाइंड आउट करोगे, तो मीन इज नथिंग बट तीन लोग हैं तो सम करोगे, डिवाइड बाय थ्री कर दोगे। तो अगर मैं डिवाइड बाय थ्री करूंगा तो ये मेरा बनता है 84 डिवाइड बाय थ्री किया मैंने, दैट बिकम्स 3 2 6, 3 8 24, एंड ये कितना बनता है, इसको भी 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 9, 3 5 15। ये वैल्यू हमें पता नहीं है, हम मान लेते हैं कुछ एक एक्स है, तो क्योंकि ऐड करेंगे और डिवाइड बाय थ्री करेंगे तो ये 1/3 होगा, एंड फाइनली ये बराबर किसके दे रखा है हमें, गीता की सैलरी के, दैट्स व्हाट दे से हियर। तो ये कह रहा है कि सैलरी ऑफ गीता बिकम्स इक्वल टू द मीन सैलरी ऑफ द थ्री फ्रेंड्स। तो यहां से हम गीता की सैलरी निकाल लेंगे, क्या वैल्यू निकल के आ रही है, लेट्स सॉल्व इट। तो ये बना 8 and 5 13, 3 2 5 and 1 6, एंड दिस बिकम्स 1 minus 1/3, दिस बिकम्स 2/3 ऑफ एक्स, यहां से एक्स की वैल्यू आती है हमारी 9, एंड ये बनता है 189/2 विच बिकम्स 94.5, ये हमारी वैल्यू हो गई इसकी। तो हमें बताना है गीता की सैलरी में कितना सैलरी हाइक हो रहा है, तो हम लगभग ये कर सकते हैं कि 94.5 है तो इसको हम 95 मान लें, और 95 माइनस अगर हम 75 करते हैं तो ये बनता है 20, तो 20/75 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते हैं, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, 80/3 यानी 26 point something बनता है, 26.67 के आसपास ये वैल्यू हमारी बनती है, तो हमारा करेक्ट आंसर बनना चाहिए 26। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे स्लाइटली हमारी वैल्यू को बढ़ाया था, तो जस्ट इससे छोटा जो वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया। सो हेयर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कैट 2022। द क्वेश्चन सेज, इन एन इलेक्शन देयर वर 4 कैंडिडेट्स एंड 80% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स कास्टेड देयर वोट्स। आप कह रहे हो 80% ने वोट्स कास्ट किए हैं, टोटल मान लेते हैं हम लोग 100x, इनमें से जो वोट्स कास्ट करने वाले लोग हैं वो हैं 80x। अब इनको आप क्या करने वाले हो, 4 लोगों में बांटने वाले हो। तो सवाल बोल रहा है कि वन ऑफ द कैंडिडेट्स रिसीव 30% ऑफ द कास्टेड वोट्स, यानी एक कैंडिडेट लेट्स से ए, उसको हम 30% देते हैं तो ये बनता है हमारा 24x। अब जो रिमेनिंग है कितना बचा, 30% आपका यहां चला गया तो इसका 70% यानी बाकी 3 लोगों में डिवाइड होगा, सिंपल सी बात है ये। अब ये जो 70% है, पहले तो ये कितना है, तो 70% जो है ये बन रहा है हमारा 56x, सिंपल, ठीक है। अब ये जो 56x है इसको हमको 3 लोगों में बांटना है, तो अगर 3 लोगों की बात करें तो जो प्रोपोर्शन है वो गिवन है 1:2:3। अब सवाल बोल रहा है, इफ द विनर ऑफ द इलेक्शन रिसीव 2512 वोट्स मोर देन द कैंडिडेट विद द सेकंड हाईएस्ट वोट्स, यानी आपको क्या करना है, आपको फिगर आउट करना है इनमें से विनर कौन है, हु इज द विनर। तो देखो एक चीज समझ में आ रही है, या तो विनर ये है या फिर इन तीनों में से अगर कोई विनर हो सकता है तो वो डी होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू मैक्सिमम आने वाली है। तो हम ये देखते हैं कि डी जो है वो इसका कितना परसेंट है, तो दैट विल बी नथिंग बट 3/sum कर दो जो कि आ रहा है 6, तो ये आया हाफ यानी 50%। तो डी जो है इसको 56x का 50% यानी हाफ मिल रहा है, तो डी की वैल्यू हो जाती है 28x। ए को मिल रहा है 24x, डी को मिल रहा है 28x, यानी समझ में आया विनर कौन है, डी, एंड सेकंड
पोजीशन पे कौन आ रहा है, वो है ए। सवाल बोल रहा है कि जो विनर है उसको 2512 वोट्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, किससे, सेकंड हाईएस्ट वाले से। तो 28 माइनस 24 किया, ये आया 4x, और ये बराबर हो गया हमारा 2512 के। यहां से सॉल्व कर लेते हैं और हमसे पूछा जा रहा है फाइनली देन द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स वॉज, तो x की वैल्यू निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा। तो चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो दिस इज कमिंग आउट एज 4 6 24 11 4 2 8 4 8 32, ये हमारी x की वैल्यू आई, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है हमारा करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया। सो हेयर इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कैट 2021। क्वेश्चन बोल रहा है इन अ टूर्नामेंट अ टीम हैज प्लेड 40 मैचेस, तो आप मैचेस प्ले कितने कर रहे हो, 40, और इनमें से विन कितने हो रहे हैं। तो ये कह रहा है 30% ऑफ द मैचेस आर वॉन बाय दिस टीम, तो अगर इसका 30% में निकालता हूं तो ये आता है 12। अब सवाल बोल रहा है इफ दे विन 60% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस, मुझे नहीं पता रिमेनिंग कितने हैं, मैं मान लेता हूं कुछ एक एक्स। तो अगर मेरे ये रिमेनिंग मैचेस हैं तो एक चीज तो ये समझ में आई कि टोटल मैचेस जो हैं वो हो गए हैं 40+x, और ये जो रिमेनिंग मैचेस हैं इसका 60% जो है वो हम जीत रहे हैं, 60% बनता है हमारा 3/5, तो ये हमारे टोटल विन निकल के आ गए जो भी वैल्यू है। क्वेश्चन बोल रहा है देयर ओवरऑल विन परसेंटेज विल बी 50%, तो यानी ये जो है ये इसका ठीक क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो ये बनेगा 20+x/2। अब यहां से सबसे पहले तो हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि रिमेनिंग हमारे मैचेस हैं कितने, फिर उसके बाद हमें क्या करना है। क्वेश्चन कह रहा है सपोज दे विन 90% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस, देन द टोटल नंबर ऑफ मैचेस वोन बाय द टीम इन द टूर्नामेंट विल बी व्हाट, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं कितना आ रहा है देखते हैं। तो दिस इज कमिंग आउट एज ये कितना है 60%, ये 50%, यानी अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो ये आ रहा है 10%, यानी x बाय 10, और ये बराबर हो गया 20-12 यानी 8 के, तो x की वैल्यू आ गई 80। तो मेरे जो एक्स्ट्रा रिमेनिंग मैचेस थे वो कितने थे, 80, ठीक है। तो टोटल मैचेस मेरे कितने हो गए, 140। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर ये 90% रिमेनिंग मैचेस का जीत जाए, तो 12 तो पहले जीत रहा है और इसका 90% आप और जिता दो तो ये बनता है हमारा 72, तो 72+12 मिलकर के हो जाएगा 84, और इसी के साथ आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आई होप आपको ये समझ में आया। तो यार ये काफी इजी क्वेश्चन था, बनना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है द टोटल ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन अ सिटी इंक्रीज बाय 25% फ्रॉम 1970 टू 1980। देखो इसको पढ़ के एक चीज़ समझ में आई, एक तो मेल पॉपुलेशन की बात हो रही है, फीमेल पॉपुलेशन की बात हो रही है, टोटल की बात हो रही है, एंड देन ईयर की बात हो रही है, इन चार चीज़ों की बात हो रही है। अब 1970 से 1980 की बात हो रही है, एक तो ये समझ में आया। तो टोटल में 25% का इंक्रीमेंट हुआ है, ड्यूरिंग द सेम पीरियड मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 40% वाइल द फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 20%, मतलब मेल और फीमेल का इंडिविजुअल जो है वो इंक्रीमेंट भी हमें दे रखा है, परसेंटेज इंक्रीमेंट हमें दे रखा है, फ्रॉम 1980 टू 1990, यानी एक ईयर और इसने इन्वॉल्व कर लिया है। द फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 25% इन 1990, इफ द फीमेल पॉपुलेशन इज ट्वाइस द मेल पॉपुलेशन, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल ऑफ मेल एंड फीमेल, मतलब यानी आपसे क्या पूछ रहा है, 1990 में कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट आया टोटल में इन कंपैरिजन टू 1970। तो देखो यार तुमको परसेंटेज चेंज निकालना है तो क्यों ना तुम इसकी वैल्यू 100 अज्यूम कर लो, जिससे तुम्हारी कैलकुलेशन आसान हो। तो अगर तुम इसको 100 अज्यूम कर लेते हो, मेल्स की वैल्यू को तुम ए मान लेते हो तो फीमेल की वैल्यू को तुम बी मान लो। अब इसमें टोटल में हम कितने का इंक्रीमेंट करवा रहे हैं, तो 1970 से 1980 में 25% का इंक्रीमेंट हुआ, यानी ये वैल्यू सीधे सीधे बन गई 125, ठीक है, बहुत ईजी है। अब ये बोल रहा है ड्यूरिंग द सेम पीरियड मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 40%, 40% का इंक्रीमेंट अगर तुम करवाते हो तो ये वैल्यू बनती है तुम्हारी, 40% कितना हुआ, 2/5, तो 1+2/5 दैट बिकम्स 7/5, 1.4 भी लिख सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, ये बन गया 7/5 ऑफ ए। एंड फीमेल पॉपुलेशन 20% से इंक्रीज हो गई, 1/5 का इंक्रीमेंट करवाया, यानी ये बन गया 6/5 ऑफ बी। अब देखो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हैं, इसको सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू हम फटाफट से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो तो ये बोल रहा है ए प्लस बी जो है ये बराबर हुआ 100 के, और 7a+6b जो है ये बराबर हो गया हमारा 625 के। अब मैंने एक शॉर्ट ट्रिक इस पे रिकॉर्ड कर रखी है, तुम चाहो तो देख सकते हो, जिसमें मैंने लीनियर इक्वेशन को जल्दी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये मैंने बताया। तो तुम क्या कर सकते हो, ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे निकाल सकते हो ए अपना, तो 625 इंटू 1 ये बना 625 माइनस 100 इंटू 6 जो कि बना 600 अपॉन, ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दो आप, 7-6, तो ये वैल्यू आ गई तुम्हारी 25। तो ए की वैल्यू 25 आ रही है, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, 75, यानी हमें समझ में आया ए जो है वो है 25 और बी जो है ये हो गया हमारा 75।
ठीक है, अब आते हैं आगे। अब क्वेश्चन बोल रहा है, इन 1990 इफ द फीमेल पॉपुलेशन इज ट्वाइस द मेल पॉपुलेशन देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन द सिटी फ्रॉम 1970 टू 1990। देखो एक बात और बोली है कि 1980 से 1990 में, यानी इस साल से इस साल में जो फीमेल पॉपुलेशन है वो 25% से तुम्हारी बढ़ गई है। 25% का अगर इसमें इंक्रीमेंट अपन करवाएं तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, तो अगर हम देखें अभी इसको तो ये बन रहा है हमारा 1.2b और 25% और इसमें जोड़ दें तो ये बन गया हमारा 1.5b और ये इसका आधा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.75b। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो ये मेरा बन रहा है, दोनों को ऐड किया मैंने तो यही तो मेरी टोटल पॉपुलेशन बनेगी जो कि कितनी बन रही है 2.25b। तो क्या मेरे पास b की वैल्यू है? यस। व्हाट इज द वैल्यू? 75। तो यहां पे रखें और इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 75 इंटू 2 बनता है 150 और 0.25 से इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आता है 18.75, यानी ये बनता है 168.75 जो कि इन कंपैरिजन टू 100 कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 68.75% का इसमें इंक्रीमेंट है। करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ गया है। सो हेयर इज आर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम कैट 2021। क्वेश्चन कह रहा है, इन अ सर्टेन वेट ऑफ एन अलॉय ऑफ सिल्वर एंड कॉपर, इफ अ सर्टेन वेट ऑफ एन अलॉय ऑफ सिल्वर एंड कॉपर इज मिक्सड विथ 3 kg ऑफ प्योर सिल्वर। देखो यार ये क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन का है, हम इसको एलिगेशन की हेल्प से बहुत जल्दी से बना सकते हैं। ठीक है, एक बार पहले रीड करते हैं क्विकली फिर सॉल्व करते हैं। ये बोल रहा है देन द रिजल्टिंग अलॉय विल हैव 90% सिल्वर बाय वेट। ठीक है, तो आप कह रहे हो एक अलॉय लिया आपने जो कि किसका है? सिल्वर और कॉपर का है। नहीं पता हमें इसका वेट क्या है, हम मान लेते हैं एक्स के जी वेट है। आप इसको प्योर सिल्वर के साथ में मिक्स कर रहे हो और सिल्वर आप ले रहे हो, प्योर सिल्वर है, तो कितना वेट आप इसका लेकर के चल रहे हो? तो क्वेश्चन बोल रहा है 3 kg वेट आपने लिया, इन दोनों चीज़ों को आपने मिक्स कर दिया, दो डिफरेंट एलिमेंट्स होगा इनको आपने मिक्स किया और जो रिजल्टेंट आपका बन रहा है उसमें निकल के आ रहा है आपका रिजल्टेंट अलॉय में 90% सिल्वर बाय वेट। ठीक है, इसमें कितना है? नहीं पता, मान लेते हैं 1% है। इसमें कितना है? क्योंकि ये प्योर सिल्वर है तो 100% सिल्वर होगा ना, और जो रिजल्टिंग है वो 90% हमें दे रखा है। एक काम करते हैं एलिगेशन लगाते हैं इसमें और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको अगर एलिगेशन नहीं आता तो मिक्सचर एंड एलिगेशन पे एक सेपरेट वीडियो, फाउंडेशन वीडियो अपलोडेड है, आप वहां जाकर के सीख सकते हैं। तो 100 माइनस 90 मैंने किया, ये आया 10 और 90 माइनस ए करेंगे तो आ रहा है 90 माइनस ए। अब ये रेशो लूं तो वो इसके बराबर होना चाहिए, तो यानी ये बना 10 अपॉन 90 माइनस ए इक्वल्स टू एक्स बाय 3। ये एक मेरा फॉर्मेट यहां पे बना। घबराइए मत, अपन इसको बहुत आसानी से बनाने वाले हैं अभी विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है कि इफ द सेम वेट ऑफ द इनिशियल अलॉय, यानी ये वाला जो पार्ट है लिख लेते हैं दोबारा से, तो ये हमारा सेम अलॉय हो गया, उसका वेट भी हमारा सेम हो गया। इसको हम मिक्स कर रहे हैं 2 kg ऑफ अनदर अलॉय के साथ में, हमें नहीं पता क्या अलॉय, कुछ एक नाम रख देते हैं इसका, कुछ एक बी, और ये कितना है हमारा 2 kg का है। इसमें 90% सिल्वर बाय वेट हमें गिवन है, इसमें कितना है 1% हमने अज्यूम किया है, वो लिखा है हमने, तो जो हमारा रिजल्ट आ रहा है एज पर द क्वेश्चन वो कितना आ रहा है 84%। अगेन एलिगेशन लगा लेते हैं तो 90 माइनस 84, ये बना 6 और ये हो गया आपका 84 माइनस का ए। तो यहां से अगर इसका रेशो कैलकुलेट करें तो रेशो बन रहा है हमारा 6 upon 84 minus a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये हमारा x upon 2k। दिस इज व्हाट वी आर प्रोवाइडेड विद। अब देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, अब वो देखो, तो क्वेश्चन बोल रहा है देन द वेट ऑफ द इनिशियल अलॉय इन kg, यानी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी ये जो भी हमारे ऑप्शन है ये क्या है, x की वैल्यूज है। अब आप देखो मेरे को एक चीज यहां ये समझ में आ रही है कि जो भी मेरा x है, मैं अगर एक बार के लिए मतलब वैल्यूज अगर मुझे इसमें पुट करनी है तो मैं कौन सी वैल्यू से स्टार्ट करूंगा, तो या तो मैं x की वैल्यू वो लूंगा जो 2 से डिविजिबल हो, या मैं x की वैल्यू वो लूंगा जो 3 से डिविजिबल हो, मतलब इस तरीके से मैं प्रोसीड करूंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं 3 से, तो अगर हम यहां पे 3 लेते हैं तो कैंसिल किया तो 1 आया, तो 90 माइनस ए बराबर 10 के हो गया, तो यहां से ए की वैल्यू निकल के आ गई 80। एक बार मैं चेक कर रहा हूं, अब अगर ये सेम वैल्यू मैं इसमें रखूं दूसरे एक्सप्रेशन में तो x की वैल्यू 3 आनी चाहिए, तब तो ये करेक्ट है, नहीं तो गलत है। अब 80 अगर यहां रखते हैं तो 84 माइनस 80 किया मैंने, कितना आया 4 आया, ये 2 उसको कैंसिल करेगा, 2 बना 6/2 हो गया 3, यानी x आ गया मेरा 3, यानी ये मेरा एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो गया मेरा 3 विच इज सी ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया, बहुत आसानी से बना सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ एलिगेशन। सो हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम कैट 2021। क्वेश्चन बोल रहा है अ बॉक्स हैज 450 बॉल्स, ईच बॉल इज आइदर वाइट और ब्लैक, तो टोटल बॉल्स हो गई हैं 450, दो चीजों में क्लासिफाई कर सकते हैं, वन इज वाइट द अदर वन इज ब्लैक।
अब ये बोल रहा है कि देयर बीइंग एज मेनी मेटालिक वाइट एज मेटालिक ब्लैक, तो मतलब यहां पे फिर फर्दर दो क्लासिफिकेशन करने होंगे, वन इज मेटालिक वाइट, एक हो गया नॉन मेटालिक वाइट। तो वैसे ही हमारा मेटालिक ब्लैक एंड नॉन मेटालिक ब्लैक, ये दो दो क्लासिफिकेशन हमने और कर दिए। 40% ऑफ द व्हाइट बॉल्स, तो 40% व्हाइट मान लेते हैं ए, ब्लैक मान लेते हैं बी, और अगर ए प्लस बी करूं तो वो 450 आना चाहिए क्योंकि टोटल बॉल्स कितनी है 450। अब व्हाइट का 40% ये हो गया मेरा 2/5, ये 40% हो गया मेरा, और जितना ये है उतना ही मेरा क्या दे रखा है, मेटालिक ब्लैक दे रखा है। अब देखते हैं अपन, एंड 50% ऑफ द ब्लैक बॉल्स आर मेटालिक, यानी इसका आधा कर देते हैं। अब एज पर द क्वेश्चन ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर है, इसको इक्वेट करवा लो आप, तो 2/5 ऑफ ए बराबर हो गया आपका बी बाय 2 के। यहां से ए बाय बी निकल के आ रहा है 5/4, यानी ए और बी इस रेशो में। तो अगर मैं दोनों का सम करूं 9 आ रहा है, 450 डिवाइड बाय 9 कर दूं तो बनता है 50, यानी ए की वैल्यू मेरी निकल के आ गई 250 और बी की वैल्यू मेरी निकल के आ गई है 200। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ नॉन मेटालिक बॉल्स इन द बॉक्स। तो देखो यार, व्हाइट वाली 40% जो है तुम्हारी वो मेटालिक है, तो नॉन मेटालिक कितनी होगी, 60%। 60% कितना हो गया, 3/5 ऑफ ए। तो अगर मैं ये कैलकुलेट करूं तो मेरा ए 250 है, उसका 3/5 यानी 60% निकालना है, तो ये बन गया मेरा 150, ये तो 150 हो गया। और यहां कैलकुलेट करते हैं तो ब्लैक हमारी 200 है, आधी मेटालिक है, तो आधी ही हमारी क्या होगी, नॉन मेटालिक होगी। टोटल नॉन मेटालिक अगर मैं ऐड करूं तो ये बन रहा है 250, तो ये टीटा क्वेश्चन था, करेक्ट आंसर इसका था 250। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। एक और सवाल कैट 2021 से, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिगो सॉल्यूशन इन परसेंटेज इज इक्वल टू द अमाउंट। तो पहले तो देखो, इन्होंने स्ट्रेंथ समझाया कि स्ट्रेंथ होती क्या है। अब ये कह रहे हैं कि दो 800 सीसी बॉटल्स हैं जिनको फिल किया गया है इंडिगो सॉल्यूशन से, दोनों की स्ट्रेंथ अलग अलग है। स्ट्रेंथ इज नथिंग बट जिस भी चीज की आप बात कर रहे हो उसका परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये स्ट्रेंथ है। तो हम दो बॉटल्स ले लेते हैं, वन इज ए, नंबर वन ए एंड द अदर वन इज बी। दोनों का वॉल्यूम सेम है 800 सीसी, ये भी हमारा कितना है 800 सीसी, ठीक है। इसमें जो परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन या स्ट्रेंथ हमें दे रखी है वो है 33%, और इसमें जो स्ट्रेंथ हमें दे रखी है वो है 17%। अब सवाल बोल रहा है, ए पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम द फर्स्ट बॉटल इज थ्रोन अवे एंड रिप्लेस्ड बाय एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम सेकेंड बॉटल। ये समझना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये बोल रहा है कि पहली बात तो 800 में से तुमने जितना निकाल के बाहर फेंका उतना ही वॉल्यूम तुम दूसरी बॉटल में से ला करके डाल रहे हो, यानी टोटल अभी भी तुम्हारा कितना है बॉटल ए में 800। दिस इज वन थिंग। अब बॉटल ए में दो कॉन्सेंट्रेशन आ चुके हैं, एक 33% वाला, दूसरा 17% वाला, क्योंकि तुम यहां से निकाल करके लेके आए। तो हम फिर से एलिगेशन लगा लेते हैं और उसकी हेल्प से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें समझ में आएगा कि ये जो हमारा 800 सीसी है इसके हमने दो पार्ट बनाए, एक 33% वाला इसमें है और एक 17% वाला हमारा है। अब ऐसा करने से ये बोल रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिगो सॉल्यूशन इन द फर्स्ट बॉटल नाउ चेंज टू 21%, 21% बन गई आपकी स्ट्रेंथ। तो हम एलिगेशन लगा लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। 21 - 17 किया तो ये आ रहा है हमारा 4, और 33 - 21 अगर हम करते हैं तो ये बन रहा है हमारा 12। तो यहां से जो हमारा रेशो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1:3, यानी 33% वाला जो वॉल्यूम है वो वन पार्ट अगर है तो 17% वाला वॉल्यूम थ्री पार्ट होगा। तो 800 को अगर मैं 1:3 में ब्रेक करता हूं तो ये बनता है 200, ये बनता है 600। तो ये जो 600 सीसी है ये कहां से आया, सेकंड बॉटल से आया। तो सेकंड बॉटल में भी टोटल था 800 सीसी, उसमें से 600 आपका यहां चला गया, तो लेफ्ट आउट कितना है 200 सीसी। तो करेक्ट आंसर जो होता इसका वो होता 200 सीसी। ये आपसे ये नहीं पूछ रहा था कि कितना आपने ट्रांसफर किया, ये आपसे पूछ रहा था कितना बचा है सेकंड बॉटल में। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। सो हेयर इज आर अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज आइडेंटिकल चॉकलेट पीसेज आर सोल्ड इन बॉक्सेज ऑफ टू साइजेस, वन इज स्मॉल एंड द अदर वन इज लार्ज। लिख लेते हैं, एक लार्ज है और दूसरा स्मॉल है। अब ये बात कर रहा है द लार्ज बॉक्स इज सोल्ड फॉर ट्वाइस द प्राइस ऑफ द स्मॉल बॉक्स, तो यानी सेलिंग प्राइस की बात चल रही है। इसकी प्राइस अगर पी मान लेते हैं तो ये बन गई है डबल 2p, एक बार के लिए अज्यूम कर लिया, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। अब ये बोल रहा है द सेलिंग प्राइस पर ग्राम, तो सेलिंग प्राइस पर ग्राम कैसे कैलकुलेट करोगे गाइज, तो जो भी आपकी टोटल प्राइस है उसको टोटल क्वांटिटी से आप डिवाइड करोगे। क्या मुझे सवाल में क्वांटिटी दी है, नहीं दी है, तो हम एक काम करते हैं, लार्ज बॉक्स में जो क्वांटिटी है उसको मान लेते हैं एक्स ग्राम्स,
और स्मॉल बॉक्स में जो क्वांटिटी है उसको मान लेते हैं y ग्राम्स। तो अगर मुझे सेलिंग प्राइस पर ग्राम कैलकुलेट करनी है तो ये हो जाती है 2p अपॉन x और ये हो जाती है p अपॉन y। नाउ द क्वेश्चन से सेलिंग प्राइस पर ग्राम ऑफ चॉकलेट इन द लार्ज बॉक्स इज 12% लेस। 12% लेस मतलब 88% रह गया है, 12% कम हो गया है। अब ये बोल रहा है देन द वेट ऑफ चॉकलेट इन द लार्ज बॉक्स एक्सीड्स दैट इन द स्मॉलेस्ट बॉक्स, स्मॉल बॉक्स इज नियरेस्ट टू। यानी एक्स आपका वाई से कितना परसेंट ज्यादा है ये आपको फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन रहा है 44, यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, ये बना 22 अपॉन 50। और इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये हटा देता हूँ मैं अब, तो x आ रहा है 50 अपॉन 22 y के, ये हो जाएगा हमारा, और p से p हमारा कैंसिल हो ही गया है। तो बस अब हमें ये बताना है कि ये y से कितना परसेंट एक्स्ट्रा है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये बन रहा है 25, ये बन रहा है 11। कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, तो डिफरेंस इज कमिंग आउट एज 14 अपॉन 11 इंटू 100, ये परसेंटेज मोर है। तो 1/11 9.09 होता है, 14 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है, लेट्स से 9.09 को मल्टीप्लाई करना है, 9 से मल्टीप्लाई किया हमने, दैट बिकम्स 126 पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा, तो रफली हमारी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 127, दैट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया। दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन अगेन फ्रॉम कैट 2021। So guys, here is our another question. The question is from CAT 2020. Question says there are two alcohol solutions. One is A, the other one is B and are mixed in the proportion 1:3 by volume. तो दो solution है आपके A और B और आपने किस ratio में mix किया, 1:3 में mix किया। यानी अगर आप 100 इसकी quantity ले रहे हो तो इसकी quantity हो गई है 300। अब question बोल रहा है the volume of the mixture is then doubled। आप मेरे को एक बात बताओ, टोटल वॉल्यूम जो आ रहा है वो आ रहा है 400, आप कह रहे हो कि जो वॉल्यूम है उसको आपने डबल किया, डबल किया मतलब 400 ही आपने और ऐड कर दिया, तो अभी टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई है, 800 हो गई है, राइट। अब क्वेश्चन कह रहा है कैसे ऐड किया आपने, क्या ऐड किया, वो बोल रहा है देन डबल्ड बाय एडिंग सॉल्यूशन ए। यानी ये जो एक्स्ट्रा 400 आप लेकर के आए डबल करने के लिए वो आपने क्या ऐड किया है, ए। तो टोटल ए कितना है सॉल्यूशन में, 500। टोटल बी कितना है सॉल्यूशन में, 300। ये हमारी ए और बी की क्वांटिटीज प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है सच दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर है 72% अल्कोहल। यानी हमारा जो सॉल्यूशन बन चुका है वो क्या है, तो हमारे सॉल्यूशन में ए है 500 और बी जो है वो है 300 और फाइनल जो हमारा रिजल्टिंग मिक्सचर आ रहा है उसमें कॉन्सेंट्रेशन है अल्कोहल का 72%, सॉल्यूशन ए में कॉन्सेंट्रेशन है 60%, तो बी में कितना है ये बता दीजिए। मान लेते हैं कुछ एक बी है, नहीं पता, इसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिगेशन, बहुत आसान। तो हम एक फ्लो ले लेते हैं, तो 72 माइनस बी अगर हमने किया तो, या इनिशियल माइनस फाइनल करके निकाल सकते हो, तो ये बन रहा है हमारा बी माइनस 72 इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन, यहां भी मैं क्या करूंगा इनिशियल माइनस फाइनल, तो 72 माइनस 60 किया तो ये निकल के आया हमारा 12 और ये बराबर हो गया आपका रेशो जो कि है 500 अपॉन 300 विच इज 5/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, बी निकाल लेते हैं कितना आ रहा है, तो सॉल्व किया दिस बिकम्स 3b माइनस ये बना 6216 एंड 12 5 60, तो 3b बराबर हो गया आपका 276 के, बी की वैल्यू निकल के आ गई 92। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन। सो ये हमारा एक और सवाल है क्या 2019 में से, द स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्ट सॉल्यूशन इज पी परसेंट इफ 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन्स पी ग्राम्स ऑफ सॉल्ट। स्ट्रेंथ क्या होती है ये मैं ऑलरेडी आपको एक क्वेश्चन में पीछे बता चुका हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है ईच ऑफ द थ्री वेसल्स, सो देर आर थ्री वेसल्स, वन इज ए, देन यू हैव बी एंड देन यू हैव सी। सभी में 500 ml सॉल्ट सॉल्यूशन है, 500 ml सॉल्यूशन है, ठीक है। पहले मैं ए और बी ही के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर ये बोल रहा है स्ट्रेंथ दे दी हमें, यहाँ स्ट्रेंथ है 10%, यहाँ स्ट्रेंथ है 22%। अब सवाल ये कह रहा है कि आप कर क्या रहे हो, 100 ml इसमें से निकाल के इसमें डालते हो, फिर 100 ml इसमें से निकाल करके इसमें डालते हो, फिर 100 ml इसमें से निकाल करके ए में डालते हो। फाइनली ऐसा करने के बाद ए में जो हमारा स्ट्रेंथ बन रहा है वो क्या होगा ये आपको बताना है। दिस इज वॉट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट। तो हम पहले ए और बी से डील करते हैं, सी को बाद में पिक्चर में लेके आते हैं। तो जब आप 100 ml यहां से निकाल करके बी में डालते हो तो एक बात बताओ, जो ये 100 ml आप ट्रांसफर कर रहे हो इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, 10% ना। तो यानी बी में अभी दो सॉल्यूशन हो गए, एक हो गया आपको 100 ml, एक हो गया 500 ml। ये 100 ml 10% का है
500 ml जो है ये 22% का है। अब रिजल्टेंट कितना बन रहा है ये पता नहीं, निकाल लेते हैं हम लोग। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लेते हैं कुछ एक एक्स परसेंट है, सॉल्व कर लो इसको आप एलिगेशन की हेल्प से। तो ये बना एक्स माइनस 22 और इधर हो गया 10 - x, इसका रेशो 1:5 बन गया। इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं, तो x माइनस 22 अपॉन 10 - x ये बराबर हो गया है 1/5 के। क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस बिकम्स 5x - 110, दिस इज इक्वल टू 10 - x, तो 6x बराबर हुआ 120 के। x की वैल्यू आ गई है 20, यानी जो हमारा b है अब उसमें रिजल्टेंट सॉल्यूशन कितना परसेंट का हो चुका है, वो हो चुका है 20% स्ट्रेंथ का। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। अब हम इसको एक बार हटाते हैं और a को गायब कर देते हैं और b और c की बात कर लेते हैं। तो b में टोटल वॉल्यूम अब 500 नहीं हो करके 600 ml हो गया है और b की स्ट्रेंथ हो चुकी है 20%। अब आप क्या करते हो, b में से 100 ml निकाल करके c में डाल देते हो। तो c में एक आया 100 ml, 500 पहले से प्रेजेंट था, पहले c की स्ट्रेंथ थी 32%, यानी 500 ml के कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ हो गई 32%, और 100 ml जो आप यहां से लेके आए हो उसकी स्ट्रेंथ हो गई है 20%। रिजल्टेंट स्ट्रेंथ क्या है नहीं पता, अगेन मान लेते हैं x परसेंट, इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बना x माइनस 32 रेशो 20 - का x, तो ये कितना आ रहा है, x माइनस 32 अपॉन 20 - का x, ये बन जाएगा 1/5। सॉल्व किया, 5x माइनस का ये बना 160 इज इक्वल टू 20 - x, तो 6x बराबर हुआ 180 के। यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई 30, यानी c में जो हमारा रिजल्टेंट स्ट्रेंथ बन चुका है वो 30% बन चुका है। अब हम ये पूरा फिर से हटा देते हैं, अब हम सिर्फ c और a की बात कर लेते हैं। तो c जो है इसकी स्ट्रेंथ हो चुकी है 30%, c में वॉल्यूम हो गया है 600 ml। अब हमें a की बात करनी है, ए की स्ट्रेंथ हमें बतानी है। तो ए में से हम 100 ml ऑलरेडी लेकर के जा चुके थे, तो अब ए में जो लेफ्ट आउट था वो था 400 ml। अब एक 100 ml आप सी से लेकर के ए में डाल रहे हो, तो ए में एक तो आया 100 ml जिसकी स्ट्रेंथ है 30%, और एक आपका 400 पहले का बचा हुआ है जिसकी स्ट्रेंथ आपको मिल रही है 10%। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप फिर से एक बार कैलकुलेट कर लो एलिगेशन से कि फाइनल रिजल्टेंट सॉल्यूशन यहाँ पे कितने का बन रहा है। तो ये बना हमारा x माइनस 10, ये हो गया है 30 - x, इसका रेशो ले रहे हैं, तो ये आया x माइनस 10 अपॉन 30 - x विच इज इक्वल टू 1/4, 4x - 40 इज इक्वल टू 30 - x, 5x बराबर हो गया 70 के, x बराबर हो गया 14% के, और आंसर हो गया डी ऑप्शन। आई होप आपको ये चीज समझ में। सो हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन सेज जॉन गेट्स ₹57 पर आवर ऑफ रेगुलर वर्क एंड ₹114 पर आवर ऑफ ओवरटाइम वर्क। ही वर्क्स ऑल टुगेदर 172 आवर्स एंड हिज इनकम फ्रॉम ओवरटाइम आवर्स इज 15% ऑफ हिज इनकम फ्रॉम रेगुलर आवर्स। तो एक काम करते हैं, रेगुलर आवर्स कितने हैं उसके वो हम कुछ एक अज्यूम कर लेते हैं, ओवरटाइम आवर्स कितने हैं वो भी हम कुछ एक वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। तो रेगुलर आवर्स मान लेते हैं हम लोग ए हैं, ओवरटाइम आवर्स हम लोग मान लेते हैं बी हैं, ये वैल्यू बी मान लेते हैं। तो आप कह रहे हो कि ओवरटाइम आवर्स की जो वैल्यू बन रही है, इनकम जो बन रही है कॉरेस्पॉन्डिंग टू ओवरटाइम आवर्स, तो ओवरटाइम आवर्स के लिए क्या मिल रहा है पर आवर वेजेस 114, तो ये बना 114 × b, तो ये टोटल आपका इनकम बना कॉरेस्पॉन्डिंग टू ओवरटाइम वर्क। एंड रेगुलर वर्क के कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी इनकम कितनी बन गई है, 57 × a, इन परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आ रही है हमारी 15%। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ये बनता है हमारा 2 और दिस इज 3, 20, 40, तो यहाँ से b/a की जो वैल्यू आई दिस इज कमिंग आउट एज 3/40, दिस इज वॉट वी आर गेटिंग। नाउ द क्वेश्चन सेज देन फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड ही वर्क ओवर टाइम। तो आप देखो कि ए और बी को अगर हम जोड़ते हैं तो वो बनता है 172, यानी जो हमारा रेशो बन रहा है ए और बी का वो 40:3 बन रहा है। तो 43 का कौन सा मल्टीपल लें ताकि 172 आ जाए, तो आई थिंक दिस इज 4th मल्टीपल। तो 40 × 4 करेंगे तो ये बना 160 एंड 3 × 4 करते हैं तो ये बनता है 12। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने आवर्स के लिए उसने ओवरटाइम किया था, तो उसने ओवरटाइम किया था 12 आवर्स के लिए, दिस इज द राइट आंसर। सो हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेज इन एन एग्जाम द स्कोर ऑफ ए वाज 10% लेस देन दैट ऑफ बी,
द स्कोर ऑफ बी वॉज 25% मोर देन दैट ऑफ सी एंड द स्कोर ऑफ सी वॉज 20% लेस देन दैट ऑफ डी। यानी हर चीज डिपेंडेंट है डी पे, डी इज द बॉटलनेक ऑफ द प्रॉब्लम। तो हम लोग डी की वैल्यू को डी मान लेते हैं, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20% लेस कर दो, 20% लेस किया यानी 1/5 हटाया, तो 4/5 रह गई डी की वैल्यू की। आप सबको एक की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, देन इट सेज दैट जो आपका बी है वो इससे 25% एक्स्ट्रा है, 25% बना 1/4, 1+1/4 ये हो गया आपका 5/4 ऑफ 4/5 ऑफ डी। तो अगर इसको देखें तो बी और डी दोनों हो गए बराबर। अब ए की जो वैल्यू आ रही है वो बी से 10% कम है, 1/10 हटा दो, तो 9/10 ऑफ बी जो कि बराबर है डी के, तो ये हो गया आपका डी। अब ये कह रहा है ए स्कोर्ड 72, यानी ये पूरा जो है ये 72 के बराबर है, 9 8 72, तो डी की वैल्यू निकल के आ गई है 80। नाउ द स्कोर ऑफ डी वॉज, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द सैलरीज ऑफ रमेश, गणेश एंड राजेश वर इन द रेशियो 6:5:7 इन 2010। तो देर आर थ्री पर्सन्स जिनके बारे में बात हो रही है, रमेश, गणेश एंड राजेश, और इनकी सैलरी का रेशो दिया हुआ है 6:5:7। ये कौन से ईयर की बात चल रही है, दिस वी आर टॉकिंग अबाउट 2010। नाउ रेशो बिकम्स 3:4:3 इन 2015। रमेश की सैलरी 25% से बढ़ जाती है इस दौरान, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन राजेश, राजेश सैलरी ड्यूरिंग दिस पीरियड इज क्लोजेस्ट टू। ठीक है, तो आप एक चीज देखो कि इसकी वैल्यू को अगर हम मान लेते हैं कि कुछ एक 6x है, ये 5x हो गया, ये 7x हो गया, ये बन गया हमारा 3y, ये बन गया 4y एंड ये हो गया हमारा 3y। तो रमेश के बारे में बोला है कि रमेश की सैलरी 25% से इंक्रीज हो रही है, 25% से अगर इंक्रीज हो रही है तो इनका डिफरेंस निकालते हैं हम लोग, डिफरेंस इज कमिंग आउट एज 3y-6x/6x, तो दिस बिकम्स 3/6y/x एंड माइनस का 1, ठीक है, इनटू 100, ये बराबर हो गया है हमारा 25% के। तो यहां से हम लोग y बाय x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि कितनी आ रही है, तो 1/4 + 1 5/4 और ये हो गया आपका 1/2 ऑफ y बाय x, तो ये हो गया 2 times, तो यानी y बाय x बराबर हो गया 5/2 के। दिस इज इंपॉर्टेंट इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बोल रहा है देन द परसेंटेज इंक्रीज इन राजेश सैलरी ड्यूरिंग दिस पीरियड इज क्लोजेस्ट टू, तो राजेश की सैलरी में कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो फाइनल अपॉन इनिशियल माइनस 1 × 100, बस ये सॉल्व करना है। और y बाय x की वैल्यू कितनी है 5/2, ये इसमें पुटअप कर दो आप, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, तो इसको सॉल्व करें, इंटू 100 हो गया हमारा 3/7 ऑफ 5/2 - 1, तो ये बन गया 15 15 - 14 1/14 विच इज 7.14, तो अप्रॉक्सीमेटली ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ गया। हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जाम द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर इज एन व्हाइल द पासिंग मार्क्स इज 45% ऑफ एन। तो इसको हम हमारा बेंचमार्क ले लेते हैं पासिंग मार्क्स, और जो हमारे पासिंग मार्क्स हैं वो कितने हैं, 45% है एन का। A candidate obtained 36 marks but falls short of the pass marks by 68%. यानी इसके marks तो आए हैं 36 but ये कितना कम रह गए passing marks से, 68% less रह गए हैं, इतना कम रह गए। तो 68% कम रह गए, तो actually में passing marks का है कितना, तो अगर हम देखेंगे तो समझ में आएगा this is 32%, तो 32% ये हमारा रह गया है, किसका रह गया, पासिंग मार्क्स का, जो कि कितना है 45% है, किसका, टोटल का, मैक्सिमम मार्क्स का। यहां से हम एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये बना 4, ये बना 5, ये बना 8, ये हो गया हमारा 20, और इसको और सॉल्व कर लो आप, तो ये बन जाएगा आपका पूरा सॉल्व होकर के 250। तो आई थिंक ये आ रहा है आपका बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो हेयर इज आर अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन सेज 20% का इथेनॉल सॉल्यूशन है जिसको मिक्स किया एक और इथेनॉल सॉल्यूशन से एस। तो लेट से एक सॉल्यूशन ए है 20% का है ये, और एक और सॉल्यूशन है कोई एस जिसका कंसंट्रेशन हमें पता नहीं है, और किस रेशो में मिक्स किया हमने, 1:3 में मिक्स किया। दिस मिक्सचर इज देन मिक्सड विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 20% इथेनॉल सॉल्यूशन। ऐसा एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम थोड़ी देर पहले बना चुके हैं, तो ये उसी थीम के ऊपर है। आप इसकी वैल्यू अज्यूम करते हो 100, तो ये बनता है 300, टोटल हो गया ये।
अब ये जो मिक्सचर है हमारा, इसको हम इक्वल वॉल्यूम ऑफ 20% इथेनॉल सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर रहे हैं, यानी इसमें 400 और ऐड करें। इक्वल वॉल्यूम कितना, तो ये हो गया 400, 400 और ऐड कर दिया हमने। दिस मिक्सचर इज देन मिक्स्ड विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 20% इथेनॉल सॉल्यूशन। तो ए बन गया है आपका 500, बी है 300। अब ये बोल रहा है तो ये पूरा 20% का कॉन्सेंट्रेशन है और इसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता नहीं है, हम मान लेते हैं कुछ एक एक्स परसेंट, और रिजल्टेंट मिक्सचर का कॉन्सेंट्रेशन बन गया है 31.25%। अब आपको इसमें एलिगेशन लगाना है और इसको सॉल्व करना है। तो लेट्स क्विकली सॉल्व इट। ये बन गया 20%, दिस बिकम्स एक्स परसेंट, ये हो गया 31.25%। लेट्स सॉल्व इट। तो ये बन रहा है 31 point, या तो इसको लिख लेते हैं एक्स माइनस 31.25, ये हो जाएगा हमारा 31.25 माइनस 20, जो कि आ रहा है 11.25, और ये रेशो जो बन रहा है x माइनस 31.25 अपॉन 11.25 इज इक्वल्स टू 5/3। ये बन गया हमारा 5/3। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए एंड दिस विल गिव यू दी करेक्ट आंसर। तो ये कितना आ रहा है, इसको यहां से हटा देते हैं और फटाफट से इसका आंसर निकाल लेते हैं। दिस इज कमिंग आउट एज 3x माइनस 31 into 3 is 93.75, ये हो गया 93.75, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 11 into 5 is 56.25, और 3x की वैल्यू आ रही है 5 and 5 10, 7 to 9 and 1 10, 57 and 3 60, 60 and 90 150.00, x की वैल्यू निकल के आ गई 50%, विच मेक्स आर सी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट। सो हियर वी आर विद आर नेक्स्ट क्वेश्चन। The question is based on ages. It says that Arun's present age is 40% of Barun's. चलो इसको करते हैं हम लोग। तो अरुण की जो present age है वो 40% है, यानी 2/5 है बरुण की age की। यहाँ हम लोग एक काम कर सकते हैं, क्योंकि सवाल हमारा परसेंटेज इंक्रीज पे है, परसेंटेज चेंज पे है, तो हम वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। अब वैल्यू इस तरीके से अज्यूम करें कि हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो। तो हम एक काम करते हैं, अरुण की जो present age है उसको 2 साल मान लेते हैं, और बरुण की जो प्रेजेंट एज है वो हो जाएगी 5 साल, ये कर लेते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है इन अनादर फ्यू इयर्स अरुण्स एज विल बी हाफ ऑफ बरुण्स। इन अनादर फ्यू इयर्स, हाउ मेनी इयर्स, वी डोंट नो, लेट्स अज्यूम एक्स। तो आफ्टर एक्स इयर्स अरुण की एज कितनी हो जाएगी, दैट विल बी नथिंग बट हाफ ऑफ बरुण्स, ये हो जाएगी एक्स इयर्स के बाद में। तो आपने प्रेजेंट एज क्या ली अरुण की, दैट इज 2 इयर्स, सो 2 + x दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये कितना बन रहा है हमारा 5 + x। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं तो ये बना 4 + 2x इज इक्वल टू 5 + x। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो यहां से x की वैल्यू आ रही है 1, यानी कितने साल के बाद में, 1 साल के बाद में, राइट। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि कितना परसेंट वरुण की एज में इंक्रीमेंट हुआ है इस पीरियड में। तो आप देखो पहले 5 साल थी, 1 साल आपने जोड़ दिया तो चेंज हो गया 1, पहले 5 साल थी, इंटू 100, तो ये बन गया आपका 20%। तो कितने का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है वरुण की एज में ड्यूरिंग दिस पीरियड, 20%। करेक्ट आंसर इज 20%, ठीक है। तो ये है हमारा अगला सवाल, एंड ये क्वेश्चन है कैट 2017 में से। क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑफ गर्ल्स अपियरिंग फॉर एन एडमिशन टेस्ट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज, यानी गर्ल्स और बॉयज का जो रेशो है वो 2:1 है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो कैसी है, ट्वाइस है नंबर ऑफ बॉयज की, ये 2:1 रेशो दे रखा है। अभी कह रहा है 30% ऑफ द गर्ल्स एंड 45% ऑफ द बॉयज गेट एडमिशन, द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु डू नॉट गेट एडमिशन इज। देखो अगेन द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन परसेंटेज, व्हाट वी कैन डू, वी कैन अज्यूम द इनिशियल वैल्यूज। तो लेट्स अज्यूम द नंबर ऑफ गर्ल्स एज 200 एंड नंबर ऑफ बॉयज एज 100, ये हमने अज्यूम किया। अब सवाल बोल रहा है कि 30% गर्ल्स को एडमिशन मिलता है, तो एक बात बताओ कितनी परसेंट गर्ल्स को एडमिशन नहीं मिलता है, 70%, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 70% गर्ल्स को एडमिशन नहीं मिलता है, तो ये वैल्यू बन गई है हमारी 140। एंड इट सेज दैट 45% ऑफ बॉयज गेट एडमिशन, तो 55% ऑफ द बॉयज डू नॉट गेट एडमिशन, तो ये वैल्यू हो गई है हमारी 55। टोटल अगर जोड़ दें कितने लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो दिस इज कमिंग आउट एज 195। अब आपको बताना है द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु डू नॉट गेट एडमिशन, तो 195 अपॉन टोटल आपका था 300 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको सॉल्व कर लेंगे 3 6 18, 3 5 15, तो दिस इज योर आंसर 65, विच इज डी ऑप्शन। आई होप ये आपको समझ में आया, बहुत ही इजी सवाल था, ठीक है। और हमने एक चीज और देखी कि जैसे जैसे हम हमने उल्टा स्टार्ट किया, हमने 2023 से स्टार्ट किया एंड करंटली हम लोग 2017 के कैट क्वेश्चन पे आ गए,
तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, क्वेश्चंस रिलेटिवली थोड़े इजी होते चले जा रहे हैं. इन टर्म्स ऑफ व्हाट? तो इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन की अगर बात करें तो वैसे ही है. जैसे 2023-22 के क्वेश्चन हमने बनाए, उनमें भी यही कैलकुलेशन थी, यहां भी यही कैलकुलेशन है. लेकिन इन टर्म्स ऑफ थॉट प्रोसेस, मोर थॉट प्रोसेस ओरिएंटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिले रिसेंट ईयर्स में, राइट? ये आपको समझ में आ रहा होगा. आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और है, वो भी हम लोग कर लेते हैं. क्वेश्चन बोल रहा है, इन अ विलेज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज बाय 40%. ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, फूड ग्रेन्स की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू ले लेते हैं. तो अगर इनिशियल वैल्यू हम लोग 100 लेकर के चल रहे हैं तो ये वैल्यू बनती है 140. क्यों ले रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमें फाइनली परसेंटेज इंक्रीज बताना है पॉपुलेशन में, तो परसेंटेज चेंज बताना है, तो वैल्यूज अज्यूम कर सकते हैं, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा. और ये बोल रहा है पर कैपिटा प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज बाय 27% ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड. पर कैपिटा आप कैसे कैलकुलेट करोगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर कैपिटा? पर कैपिटा का मतलब होता है पर पर्सन. तो आप जो भी टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है उसको अपनी पॉपुलेशन से डिवाइड करते हो तो पर पर्सन की वैल्यू निकल करके आती है. तो हम एक काम करते हैं, पॉपुलेशन को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू हम लोग मान लेते हैं P1 और फाइनल वैल्यू को हम लोग मान लेते हैं P2. फिर हमें बताना है कि हमारा जो पॉपुलेशन है उसमें कितना परसेंटेज का इंक्रीज हो रहा है इस पर्टिकुलर पीरियड में. अब इसको सॉल्व करते हैं. तो पर कैपिटा वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो वैल्यू मेरे निकल के आ रही है यहां पे 100 अपॉन P1 और फाइनल वैल्यू निकल के आ रही है 140 अपॉन P2. दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. नाउ द क्वेश्चन सेज पर कैपिटा प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज बाय 27% ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड. यानी ये जो वैल्यू है हमारी फाइनल वैल्यू है ये 1.27 टाइम्स है किसका? इनिशियल वैल्यू का, जो कि है 100 अपॉन P1. इसको सॉल्व करते हैं तो P2 इज नथिंग बट 140 अपॉन 1.27 इंटू 100 इज नथिंग बट 127 इंटू P1. तो यहां पे चेंज कितने का है? 13 अपॉन 127 इंटू 100. अगर हमें परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करना है, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग. तो अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास आ रहा है. ठीक है, 13 10 10 130, तो ये उसके क्लोज है. तो रफली 10.2 के आसपास इसकी वैल्यू आनी चाहिए. नियरेस्ट ऑप्शन जो है वो है सी ऑप्शन, दैट इज माय आंसर. तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए फुल ऑफ लर्निंग था, आपने काफ़ी कुछ सीखा. जैसा कि मैंने इंस्ट्रक्शंस आपको बिगिनिंग में दिए थे कि वीडियो को पॉज करें एंड आप पहले खुद अटेम्प्ट करें, फिर आप देखें कि क्या ये अप्रोच ज़्यादा बेटर है या जो अप्रोच से आप सवाल बना रहे हैं वो ज़्यादा बेटर है. विच एवर आपको लगता है कि बेस्ट है वो चीज़ आप फॉलो करें. तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल. मैंने बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में भी बताया था कि वी हैव अ टेलीग्राम ग्रुप, द नेम ऑफ द ग्रुप इज कोचिफाई कैट. आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द फ्री स्टडी मटेरियल, डाउट सॉल्विंग, क्विजेज एंड मच मोर. तो इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए और सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, स्टे कनेक्टेड. आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको और वीडियोस किन टॉपिक्स पे चाहिए. विल ट्राई टू डिलीवर द बेस्ट टू यू गाइस. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. बाय बाय, टेक केयर.